हिट एंड रन रूल पर देश भर में बात हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइवान में इस पर क्या नियम है? दरअसल ताइवान में इसका स्पष्ट कानून है। धारा 1 के तहत व्यक्तिगत चोट और मृत्यु के बगैर हिट एंड रन मामलों में ड्राइवर को 1,000 से 3,000 नए ताइवान डॉलर का जुर्माना होता है। इसके अलावा 1 से 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। धारा 4 के तहत 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। गंभीर व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के मामले में मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस को आजीवन रद्द कर दिया जाता है। 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। एक और कानून में ऐसे मामले में 5 साल तक की सजा हो सकती है। चूंकि यहाँ नशे में गाड़ी चलाने पर बहुत अधिक गंभीर दंड का प्रावधान है, लिहाजा नशे में धुत ड्राइवर शायद ही कभी परीक्षण के लिए रुकते हैं। कनाडा में हिट एंड रन को आपराधिक संहिता के तहत अपराध माना गया है। इसे 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। यदि हादसे में शारीरिक क्षति होती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम दंड 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास तक है। कनाडा में कार बीमा अनिवार्य है। चीन में किसी बड़ी दुर्घटना या फिर हिट एंड रन में अपराधी पाए जाने वाले ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। उस पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। साल 1997 में यहाँ बनाए गए आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 133 कानून में प्रावधान है कि किसी हिट एंड रन केस में अगर गंभीर क्षति या मृत्यु होती है तो 3 से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। न्यूजीलैंड में वहाँ का कानून कहता है कि दुर्घटना में शामिल ड्राइवरों को रुकना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई व्यक्ति घायल हुआ है या नहीं। यदि कोई ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे 3 महीने तक की कैद या फिर $4,500 यानी करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और कम से कम 6 महीने तक के लिए उसकी ड्राइविंग खत्म की जा सकती है। यदि सड़क हादसे में कोई मारा जाता है तो 5 साल तक की कैद या फिर $20,000 यानी करीब 10.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही 1 साल तक के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में किसी भी सड़क हादसे पर ड्राइवर को अपना पूरा नाम और पता पुलिस को देना होता है। ऐसे मामलों में वहां पर अधिकतम 6 महीने की कैद या फिर £5,000 यानी करीब 5,27,000 रुपए का जुर्माना भरना होता है। साथ ही ड्राइवर के किसी भी वाहन पर चलाने पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत किसी दुर्घटना में शामिल ड्राइवर को घटना स्थल पर रुकना चाहिए, उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया में यातायात अपराधों के लिए एक खास कमीशन है जो ऐसे हर सड़क हादसे के बाद उसके नेचर के हिसाब से ड्राइवर को एक तय मार्क्स देता है। इसी के तहत ड्राइवर पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण हो सकता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग प्रांतों में इसकी सजा के प्रावधान भी अलग अलग है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट एंड रन की सजा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ये वहाँ तीसरी डिग्री का अपराध माना जाता है। इसमें 1 साल से लेकर 5 साल की कैद या फिर 5 साल से अधिक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यूयॉर्क में घटना स्थल पर किसी को रिपोर्ट किए बगैर छोड़ना यातायात उल्लंघन है। अगर इसमें कोई जानवर घायल हो जाता है तो इसका जुर्माना काफी अधिक है। हांगकांग में हादसे के बाद ड्राइवर को तुरंत रुकना होता है, उस पर $10,000 यानी करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना और 12 महीने कैद की सजा हो सकती है। ड्राइवर से तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। अगर इस काम में देरी हुई तो पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो भी ये 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसे हादसों में अगर आसपास से कोई गुजर रहा हो और आपात की स्थिति में मदद नहीं कर रहा हो तो उस पर भी 1 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। मकाओ में दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने पर जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है। दरअसल बांग्लादेश में वाहन अधिनियम 1927 के अनुसार हादसा होने के बाद वाहन का ड्राइवर वाहन सहित वहीं पर रुका रहेगा जब तक कि पुलिस वहां पहुंच नहीं जाती और अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर देती। यदि हिट एंड रन या किसी भी प्रकार की मोटर वाहन संबंधित दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है या फिर मर जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा, जिसमें अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है। गंभीर हादसे के बाद ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और तो और उसकी जमानत भी नहीं होती।